हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और हर बार की तरह इस बार भी हमने नया वीडियो आपके लिए लाया है। और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आपकी गाड़ी भी आप धुलाने के बाद में कुछ इस तरह का प्रॉब्लम देती है तो आपको क्या चेक करना है और क्या करना है। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं। ये देखिए, हमारे पास एक डिस्कवर बाइक है जो कि देखिए धुल कर आई है। और इसका देखिए रेस जो है वो फुल ले नहीं रही है। देखिए, हम उसे फुल रेस कर रहे हैं बट ये दब रही है, गाड़ी फुल रेस नहीं हो रही है। तो हमें क्या क्या चेक करना है तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हमें क्या क्या चेक करना होता है। तो डिस्कवर या पल्सर आपके पास में बाइक होगी तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये चेक करना है आपका जो राइट साइड का जो पोर्शन होता है, राइट साइड में जो ट्विन स्पार्क की होती है ना गाड़ियाँ, तो इसमें राइट साइड में जो प्लग लगता है उसका जो कवर होता है उसे आप चेक करने आपको चेक करना है कि उसके कवर में कहीं पानी तो नहीं है। देखिए ये क्योंकि गहरा होता है तो उसमें उसके कवर में पानी जाने की वजह से भी ऐसा दबने की प्रॉब्लम होती है और गाड़ी बंद होती है। तो अभी हम इसको चेक करेंगे। तो इसका हमने प्लग कैप निकाल लिया। प्लग कैप निकालने के बाद में जो अंदर कवर में इसके पानी थोड़ा बहुत था तो हमने इसे साफ़ कर लिया है अच्छे से, बावजूद इसके ये गाड़ी दब रही है। तो हमें क्या करना है तो आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखिए, हम इसका प्लग का जो वायर है उसे भी डायरेक्ट लगाकर चेक करते हैं। कभी कभी क्या होता है प्लग कैप भी शॉर्ट हो जाता है तो भी ऐसा प्रॉब्लम होता है क्योंकि पानी प्लग कैप पे भी लगता है तो ये भी प्रॉब्लम आती है। तो देखिए, हम डायरेक्ट इसे लगाकर फिर चेक करते हैं कि गाड़ी होती है कि नहीं सॉल्व। तो फिर भी ये प्रॉब्लम दे ही रहती है गाड़ी। तो अभी हम क्या करेंगे, इसका जो मैग्नेट कॉइल का वायर आता है उसे और CDI जो वायर होता है उसे चेक करेंगे। तो ये देखिए, मैग्नेट कॉइल का वायर है, इसमें आपका पानी जाने की वजह से भी ये प्रॉब्लम आती है। तो इसे आपको अच्छे से साफ़ कर लेना है, अच्छे से इसमें पेट्रोल डालकर साफ़ कर सकते हैं आप। या हवा रहेगी तो बहुत अच्छी बात है, एयर की मदद से पूरा जो पानी है वो निकल जाता है। तो इसमें पानी आप मारकर साफ़ कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, आप पेट्रोल से साफ़ करने के बावजूद भी इसमें का पानी निकलता है तो ये मिसिंग प्रॉब्लम होती है। तो आपको एयर की मदद से आप इसे साफ़ करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो एक तो ये चीज़ आपको चेक करनी है और दूसरी मैं आपको दिखाता हूँ इसकी CDI के जो वायर होते हैं उसे भी आपको अच्छे से साफ़ कर लेना है, हवा की मदद से, एयर की मदद से, या आप पेट्रोल की मदद से भी इसे साफ़ कर सकते हैं। तो ये देखिए, अगर हम गाड़ी चालू करके आपको रेस करके दिखाते हैं। ये देखिए, ये गाड़ी अभी देखिए पूरी तरीके से रेस ले रही है। हमने इसका जो सॉल्वेंट था दोनों क्लीन किया बराबर से तो ये प्रॉपर हो गई है। अभी गाड़ी देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन सी चीज़ें आपको देखिए साफ़ करनी है। देखिए, एक तो ये हमारा जो मैग्नेट कॉइल का वायर रहता है इसे, ये देखिए इसे, और प्लस हमारे CDI, देखिए ये इसे CDI कहते हैं, इसके कपलर को आपको साफ़ करना है। आई होप गाइज आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, गुड बाय।